डियर स्टूडेंट्स आज हम प्रोडक्शन फंक्शन की एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे ये बहुत ही फेमस प्रोडक्शन फंक्शन है आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में दिस इज़ नोन एज कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये प्रोडक्शन फंक्शन दो लोगों ने डेवलप किया था मैथमेटिशियन चार्लस कॉप ने और इकोनॉमिस्ट पाल डोगलस ने अगरचे ये बहुत ज़्यादा इसकी सॉलिड हमारे पास थोरेटिकल ग्राउंड्स नहीं हैं इसकी ये उस पर बेस नहीं करता लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये हमारी रियल वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है सो so, बहुत गुड स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन है ऑफ आवर रियल वर्ल्ड ऑब्जर्व जो हम रियल वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व करते हैं बिटवीन आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ये उसकी बहुत ट्रू अप्रॉक्सीमेशन है इसलिए ये बहुत पॉपुलर और बहुत यूज़फुल प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अलावा इस प्रोडक्शन फंक्शन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत यूज़फुल है अभी हम उन पर बात भी करेंगे कि वो क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है और इन प्लस पॉइंट्स की वजह से ये एक तरह से इकनॉमिक थ्योरी में एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन के तौर पर कंसिडर किया जाता है सो मैक्रो इकनॉमिक्स में ये एक कॉमन डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वाई इज इक्ल टू एन रेस्टूपार एल्फा एंड के रेस्टू पार बीटा सो वाई आउटपुट है एन एंड के आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एन इज रिप्रेजेंटिंग लेबर के इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल ए हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में कि ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है स्टेट ऑफ नॉलेज है ये इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है कि हाउ इफ़ेक्टिवली लेबर एंड कैपिटल आर बी यूज और इसी तरह से उसकी एफिशंसी को भी रिप्रजेंट करता है समटाइम हम इसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं ए द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ओके सो ये मैं बता चुका है कि ए क्या है कि ये आप बताता है कि हाउ एफिशेंटली वी कैन यूज दिस फैक्टर द प्रोडक्शन और एल्फा और बीटा क्या एल्फ़ा जो है ये बताता है कि जब लेबर में चेंज आएगी तो हाउ मच आउटपुट विल रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज एंड सिमिलरली बीटा बताता है कि कैपिटल की चेंज से आउटपुट में किस तरह से चेंज आएगी तो ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay, सो so, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा जो है दे कैन टेक एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड वन ओके इट कैन बी बिजो and it cannot be 1, but any number between 0 and 1 they can take. so under this assumption, fairly both useful property, is, that the margin product of labor, that is delta y over k, change in output due to change in units of worker, is positive. it means the margin product of labor is positive. so an increase in labor will always increase the टोटल प्रोडक्ट सिमिलरली करली वाई ओवर करली ली के इज आल्सो पॉजिटिव इट मीन्स एनी वेन एवर कैपिटल विल चेंज इट विल आल्सो इंक्रीज आवर आउटपुट सो मार्जिंग प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिंग प्रोडक्ट ऑफ लेबर बोथ आर पॉजिटिव के जब भी कैपिटल और लेबर को इंक्रीज किया जाएगा तो टोटल आउटपुट विल ऑलवेज इंक्रीज मार्जिंग प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जब भी लेबर और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो माजम टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगी ये इसकी इम्प्लीकेशन है सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव्स जो है आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू लेबर दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव इट इज नेगेटिव एंड सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू के इज आल्सो नेगेटिव सो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है पहले हमने फ़र्स्ट एरीवेटिव को डिस्कस किया था कि वो पॉजिटिव है उसका मतलब क्या था कि मार्जिन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव सेकेंड एरीवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये कि मार्जिन प्रोडक्ट इज़ डिमिनिशिंग ओके आप इस बात से फेमिलियर होंगे कि जब भी आप कैपिटल इंक्रीज़ करें इसका मतलब ये है और लेबर इंक्रीज करें तो उससे आपकी टोटल आउटपुट बढ़ेगी बट एट डिक्रीजिंग रेट दिस इज वट वी मीन बाई दिस डिमिनिशिंग मार्जम प्रोडक्ट ओके सो ये भी आप जानते हैं कि बहुत कॉमन सेंस की बात है और समझ में आने वाली बात है कि वेन एवर कैपिटल आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आउटपुट को इंक्रीज करेगा डेफिनेटली बट एट डिमिनिशिंग रेट एट डिक्रीजिंग रेट और थर्ड प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है कि क्रॉस डेरिवेटिव अगर आप का पहली दफ़ा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू लेबर और देन यू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पार्शल डेरीवेटिव सो इट इज़ पॉजिटिव इसका मतलब ये है कि लेबर एंड कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट्स इन प्रोडक्शन फंक्शन क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप कैपिटल को बढ़ाएंगे तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को इंक्रीज करेगा और सिमिलरली जब आप लेबर को बढ़ाएंगे तो दिस विल इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सो ये यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी और एक और एंगल से हम इसको देखते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ अभी हमने बात की थी कि अल्फ़ा और बीटा कैन टेक एनी नंबर बिटवीन जीरो एंड वन ओके इफ द सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज़ एग्जैक्टली वन दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट इंटर्न टू स्केल कॉन्सटेंट इंटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि जब आप इनपुट्स को इनक्रीज़ करेंगे बाई एनी पॉजिटिव नंबर सपोज आप उनको टेन परसेंट इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज बाई द सेम प्रपोर्शन दैट इज टेन परसेंट ओके ये है कॉन्सटेंटर्न टू स्केल और सेकेंड इफ एल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर दैन वन तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रिटर्न टू स्केल क्यों कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करें ना वी आर इंक्रीजिंग आल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओके दैट्स वाई वी आर कॉलिंग रिटर्न टू स्केल सो अल्फ़ा प्लस बीटाज ग्रेटर दैन वन का मतलब ये है कि अगर आप लेबर और कैपिटल को 10% परसेंट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट जो है इट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10% परसेंट सो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन वन इट शोज द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कि अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को टेन इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट विल इंक्रीज बाई लेस देन टेन इसी तरह से अल्फा जो है इस कॉपडोग प्रोडक्शन फंक्शन में अंडर सर्टन अदम्पन ये लेबर के शेयर को भी रिप्रेजेंट करता है कि टोटल आउटपुट पे लेबर का कितना शेयर है लेबर के शेयर का मतलब क्या है कि टोटल आउटपुट आप जानते हैं वो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाती है ठीक है तो उसमें से ओनर्स ऑफ लेबर जो हैं उनका शेयर क्या होगा अल्फा की वैल्यू सपोज अगर पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि फिफ्टी ऑफ द टोटल आउटपुट विल बी the income of the workers and uh, so on. Remaining beta jo hai, wo aapko bataega ke share of capital kya hai. Thik hai? So, ye interesting uh, kuch iski properties thi jo humne discuss ki hai. और इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम आइंदा लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे थैंक यू वेरी मच